तो हेलो गाइस, एक बार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं और मेरा दोस्त एक नितेश आज आपको पशुपतिनाथ के मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। और ये चामुंडा माता चौराहे के पास में एक गार्डन टाइप सा है, वहाँ पर है। तो चलिए, मैं आपको पूरी तरीके से उस मंदिर के दर्शन करवाने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। तो चलते हैं हम पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर की साइड। तो यहाँ का कुछ ऐसा सीन है, और ये पास में एक झील है, गौशाला है पास में, और पशुपतिनाथ का मंदिर है, और साथ ही साथ एक और हमें मंदिर यहाँ पे है भगवान का स्थापित। और ये चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। तो चलिए, आपको ले चलते हैं हम मंदिर की ओर। तो गाइस, ये देखिए, ये मंदिर है हमारे पशुपतिनाथ का, और अंदर शिवलिंग स्थापित है। तो चलिए, ले चलता हूँ मैं आपको अंदर की साइड। हर हर महादेव। तो हमारे साथ रुपेश पंडित जी हैं, जो इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे, और ये कब स्थापित हुआ था मंदिर महाकाल बाबा का, वो आपको पंडित जी बताएंगे। तो बताइए पंडित जी। हाँ, ये भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, और ये काफ़ी प्राचीन है, और ये अष्टमुखी नौ ग्रह स्वरूप है। यहाँ पे नौ ग्रह के स्वरूप भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है। ये 100 वर्ष से ऊपर का मंदिर है, और यहाँ पे एक पहले प्राचीन एक कछुआ था इस तालाब के अंदर, जो काफ़ी विशाल था, जो कि ये पास में है। हाँ, काफ़ी लोग दर्शन करने आते थे उस, और जिस समय आते सबकी मनोकामना भी पूरी करते थे। अच्छा, पशुपतिनाथ मंदिर, यहाँ के पुजारी जी हमारे गुरु जी पुरुषोत्तम जी चौबे जी हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मिल भी हुआ करती थी? यहाँ मिल था पूर्वाद, वो तो सब बंद हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर है, यहाँ पे गौशाला है, और यहाँ पे नाना प्रकार के पक्षी रहते हैं। यहाँ पे मोर पक्षी सभी आते हैं, और सभी भक्त आकर के यहाँ पे दाना वगैरह सभी चुगाते हैं, देव दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पे समय समय पर विशाल कार्यक्रम होते रहते हैं, कि हमारे गुरु जी की जयंती। और ये हमारे सतीश पांचाल जी, जो पंडित जी के शिष्य है, बोलिए कुछ, आप कुछ बताना चाहेंगे कैसे क्या? कुछ नहीं, शिव का क्या बताना चाहेंगे, शिव आदि अनंत है, उनकी आयु की गणना ना करना मुख्यतः मूर्खता है कि 100 साल पुराना है, 500 साल पुराना नहीं। अच्छा, ये महाकाल वन में बैठे हैं, है ना, नाना प्रकार से यहाँ पे महादेव विराजमान है, है ना, सही। कहीं महाकाल रूप में, कहीं पशुपति है, कहीं नीण मुक्तेश्वर है, आदि अनादि व्यवस्था है। तो हमें काफ़ी अच्छा इन्होंने भी बताया, और हम आपको घुमाने वाले हैं आसपास का जितना भी एरिया है। उज्जैन का ब्रह्मकोण है, उज्जैन का ब्रह्म कोण है, उज्जैन का ब्रह्म कोण होने के कारण ये उजाड़ पड़ा है, उजाड़ पड़ा है। वास्तुशास्त्र के आधार पे जो ब्रह्म कोण होता है, उसे खाली होना चाहिए, उसे खाली होना चाहिए। तो चलिए, हम आपको गौशाला वगैरह और यहाँ की जो झील है वो दिखाते हैं। और यहाँ पे पहले पुरानी 5000 करीब 5000 से अधिक मोर है, मोर है 5000 से भी ज्यादा मोर है यहाँ पे, तोते हैं, है ना, असंख्य लुप्त प्रजाति के नाग है, नाग, हाँ, 6 से 12 फीट तक के। अच्छा, यहाँ पर तो हमें ये नाग के बारे में भी बता रहे हैं, तो हम आपको यहाँ का इलाका थोड़ा दिखाते हैं। अभी थोड़ी रोशनी है तो दिख जाएगा, तो बने रहिए वीडियो में, हम आपको झील भी बताएंगे, गौशाला भी बताएंगे। और ये जितना भी इलाका है, इस इलाके में पूरे मोर वगैरह जो भी जीव जानवर जो भी है वो सभी है। और ये देखिए, आपको गौशाला मैंने बताई थी, अभी करीब से आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए, मैं आपको एक गौशाला दिखाता हूँ। उज्जैन शहर में ऐसा जगह और ऐसा भगवान भोलेनाथ बैठना, तो शाम को यहाँ पे मोर भी आते हैं, नहीं मोर आते हैं, काफी मोर आते हैं। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि जैसे कि शाम को आरती होती है, तो आरती के समय मंदिर के बाहर यहाँ पर काफ़ी सारे मोर आ जाते हैं। ये देखिए,
चलिए हम आपको गौशाला दिखाते हैं। यहीं पे पास में गौशाला भी उपलब्ध है। ये लंबा तो हम नीतेश और दोनों जा रहे हैं गौशाला में, तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। ये हमारे पास में गौशाला पीछे की ओर देखिए, और ये हमारे गौशाला की देखरेख करने वाले भैया, क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह, कब से हो आप यहाँ पर? मैं तो सेवा देता हूँ यार, पढ़ाई करता हूँ यहाँ तो। अच्छा, यहीं पे सेवा देते हो? मैं तो कभी कभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं भैया, सेवा देने आता हूँ। सेवा देते हैं तो चलिए अंदर से दिखाते। तो ये देखिए गौशाला अंदर से, काफी सारी गायें हैं यहाँ पर। तो चलिए झील की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर झील भी है और ये पूरा इलाका एक जंगल की तरह दिखता है। ये एक किला बना हुआ और ये हमारे नितेश भाई खड़े हुए हैं। तो चलिए आप सभी को हम झील दिखाते हैं। और ये हमारे पीछे की ओर देखिए, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि पहले एक बहुत बड़ा कछुआ हुआ करता था। और ये देखिए, ये पूरी एक बहुत बड़ी झील है जो कि उज्जैन के बीचों बीच है। फ्रीगंज से करीबन 5 से 10 मिनट का रास्ता है यहाँ आने का। जब चामुंडा माता चौराहे आओगे तो चामुंडा माता चौराहे पे आपको एक जंगल टाइप से दिखेगा। डायरेक्ट अंदर आ जाइए, फिर आपको पशुपतिनाथ का मंदिर दिखेगा। और यहाँ पे झूले वगैरह सब की सुविधा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे मोर है जो आरती के समय यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। तो अभी तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। हमारे नितेश भाई आए हैं हमारे साथ अब की बार, जो कि सबसे पहले व्लॉग में थे। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में।